ट्विटर पर तो गेमर्स ने वी वॉन्ट बीजेवाई हैशटैग चलाया हुआ है और इसमें एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और हैशटैग को अक्सर ट्रेंड करा दे रहे हैं। हर दिन मतलब बीजेवाई लाइट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कंटेंट ट्विटर पर मिल ही जा रहा है। बीजेवाई मोबाइल लाइट कम्युनिटी भी बन गई है और ट्विटर हैंडल से गेमर्स क्राफ्टन को टैग करके क्राफ्टन के अकाउंट को टैग करके एक्चुअली बीजेवाई लाइट के लिए ट्वीट कर रहे हैं ताकि क्राफ्टन तक उनका मैसेज पहुंच जाए और ये गेम जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए। क्या अभी के टाइम पे इतना सपोर्ट मिल पाएगा? एक लिप ओल्ड है लेकिन दिल को छू जाने वाली है। अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर मीटिंग कर रहे हैं पबजी लाइट को लाने के लिए, क्या इनको सपोर्ट मिल पाएगा? चलो देखते हैं। अच्छा, अभी के टाइम पे पबजी लाइट की ऑडियंस 100 में से 20% बची है, बाकी 80% ऑडियंस गेम खेलना बंद कर दिए या बीजीएमआई या फ्री फायर में शिफ्ट हो गए। इसका कारण है हैकर्स और क्रैश प्रॉब्लम। अगर ये दो चीज नहीं आती तो 70% ऑडियंस अभी बची रहती। क्या ऐसे में बीजीएमआई लाइट आ पाएगा? लेकिन एक पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, आपको पूरा 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। पहले जानते हैं कि बीजे में लाइट की इतनी डिमांड क्यों आ रही है, इसके बाद जानेंगे कि क्राफ्टन का इस पर स्टैंस क्या है, क्या कहना है। So, BGMI लाइट की इस डिमांड की वजह यह है कि जो लो एंड स्मार्टफोन्स है उन पर BGMI सही से नहीं चल रहा है। गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भले ही 2GB रैम हो, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग अगर फोन में 3GB रैम भी है तब भी जो HD रिसोर्स पैक है जो 600MB से थोड़ा ज्यादा है वो उसमें लैग कर रहा है, मतलब सही से नहीं काम कर रहा है। कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना है कि 4GB रैम अगर उनके फोन में है और इनफ स्टोरेज है उसके बाद भी फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो ऐसे में लाइट वर्जन के बिना काम चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ एक गेम के लिए तो कोई 6GB या फिर 8GB रैम वाला स्मार्टफोन नहीं लेगा, लेना ठीक भी नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना मतलब सही चीज नहीं होगी। इसीलिए इंडियन गेमर्स आर कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर BGMI लाइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी तक क्राफ्टन ने BGMI लाइट पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। लॉन्च होगा या नहीं होगा इस पर भी क्राफ्टन की तरफ से कोई हिंट नहीं आया। बट व्हाट आई फील कि क्राफ्टन BGMI लाइट को जरूर लॉन्च करेगा। जिन रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि BGMI लाइट नहीं आएगा, आई पर्सनली डोंट अग्री विद देम बिकॉज इंडिया में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और भले ही थोड़ा देर से आए बट BGMI लाइट जरूर आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। आपको याद होगा कि पबजी न्यू स्टेट ग्लोबली जब अनाउंस हुआ था तब क्राफ्टन ने डायरेक्टली कहा था कि इंडिया में पबजी न्यू स्टेट नहीं आएगा। ग्लोबली प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे लेकिन इंडिया में शुरू नहीं हुए थे। हर कोई ये कह रहा था कि पबजी न्यू स्टेट को क्राफ्टन इंडिया में नहीं लेकर आएगा, बट मैंने जितने भी वीडियोस पबजी न्यू स्टेट पर किए थे उनमें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए क्राफ्टन इसको इंडिया में लेकर जरूर आएगा, ये गेम जरूर आपको मिलेगा, और हुआ भी एक्चुअली में ऐसा ही। पिछले हफ्ते क्राफ्टन ने कह दिया कि पबजी न्यू स्टेट इंडिया में लॉन्च होगा और इसकी वजह भी क्राफ्टन ने स्टेटमेंट में बताई है। कंपनी ने कहा है कि इंडियन गेमर्स का रिस्पॉन्स, उनका सपोर्ट और गेम की डिमांड की वजह से न्यू स्टेट को वो इंडिया में लेकर आ रहे हैं और यही होगा BGMI लाइट के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि अगले महीने आपको एक गेम मिल जाएगा या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, बट आई थिंक क्राफ्टन इसको पक्का लेकर आएगा। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए बट आई फील इवेंचुअली इट विल कम। सो देयर इज नो नीड टू गेट दिस हार्टेड, थोड़ा इंतजार करो एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। वैसे अगर कोई अपडेट BGMI लाइट पर क्राफ्टन की तरफ से आएगा या फिर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी खबर है जो आप तक पहुंचानी चाहिए वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टिकटॉक ऑन अनकट।